नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सापोट प्रो पे आप सभी का स्वागत है। तो गाइस एक बोर्ड है GAH110MWW, मतलब 110 सीरीज का बोर्ड है। इसका रिवीजन है 1.0। तो गाइस ये बोर्ड पहले भी दो चार बार रिपेयर हो चुका है, लास्ट में रिपेयर होने के लिए मेरे पास आया है। तो चलो इसको ट्रिगर करते हैं और देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोर्ड को ऑन कर लिया और यहाँ पे स्टील एरर कोड है 00। तो आज इस बोर्ड को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर सक्सेसफुली ये बोर्ड रिपेयर हो जाता है तो वीडियो ऑनलाइन डालूंगा और आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अभी मैं इसका कुछ वोल्टेज चेक करूंगा कि इसमें कौन कौन सा वोल्टेज बन रहा है और कौन कौन सा वोल्टेज मिसिंग है। बायोस के 8 नंबर पिन पे वोल्टेज बन रहा है। फ्रेंड्स, इसका जो प्रोसेसर है बिल्कुल भी हीट अप नहीं हो रहा है। इसका मतलब VRM सेक्शन में इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एक बार इसका रैम सप्लाई भी चेक कर लेते हैं। प्रॉपर है। कोर वोल्टेज मिसिंग। कोर मिसिंग है। तो ये कोर और VDD मिसिंग है, इसका मतलब अपना जो VRM सेक्शन काम नहीं कर रहा है। तो VRM सेक्शन का जो काम नहीं करता है तो मोस्टली इस 110 जो मदरबोर्ड है इस सीरीज में ये सेक्शन का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पे हम थोड़ा चेकिंग कर लेते हैं। वोल्टेज है, ठीक है। इस MOSFET का मुझे आउटपुट नहीं मिल रहा है, इनपुट सही है। आउटपुट है बहुत कम, लो। गाइज इसका VRM सेक्शन को स्टार्ट होने के लिए यहाँ से और यहाँ से दोनों MOSFET से करीबन 1 वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। तो इस MOSFET से वोल्टेज बहुत ही कम निकल रहा है। चलो एक बार LN358 रेगुलेटर को भी चेक कर लेते हैं।
चार नंबर पिन इसका ग्राउंड है, ऐसे आउटपुट सही दिख रहा है लगभग, कभी कभार डिस्टर्ब दिख रहा है कुछ। तो गाइज या तो वो LM358 जो रेगुलेटर है या तो खुद खराब है या फिर वोल्टेज डिवाइडर का कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम ये जो रेगुलेटर है LM358 इसको रिप्लेस करेंगे नए वन से, अगर हो जाता है सही, नहीं तो वोल्टेज डिवाइडर को हम चेक करेंगे। पावर को ऑफ कर दिया, इसको हम भी रिप्लेस करेंगे। गाइस ये है अपना पुराना LM358 रेगुलेटर। इसके जगह पे हम एक नया रेगुलेटर सेट करके देखेंगे कि काम बन रहा है कि नहीं। चलो इसको हम सेट करते हैं।
अभी मैं यहाँ पे थिनर से थोड़ा साफ कर दूंगा। तो नया LM358 जो रेगुलेटर है मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अभी इसको थोड़ा चेक करेंगे कि रिजल्ट क्या है। अपना जो वोल्टेज मिसिंग था वो वोल्टेज बनना स्टार्ट हुआ या फिर डिवाइडर का कुछ प्रॉब्लम है? यहाँ पे बन रहा था पहले भी, और यहाँ पे भी गाइस अभी बनने लगा। तो गाइस पिक करके आवाज आया, मतलब शायद बोर्ड स्टार्ट हो चुका है, डिस्प्ले भी आ चुका है बोर्ड पे। यहाँ पे कोड दिख रहा है लेकिन डिस्प्ले दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो एक बार रीस्टार्ट करेंगे इसको। हाँ इस बार डिस्प्ले आ गया। तो भाई वो रेगुलेटर खराब था इसीलिए वोल्टेज सही नहीं बन रहा था। कभी कभार होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर सही है, LM358 जो रेगुलेटर है, फिर भी वोल्टेज जो डिवाइडर है उसके कारण वोल्टेज सही नहीं आता। तो इस कंडीशन, ये जो केस है, इस केस में मुझे मिला कि इस जो LM358 रेगुलेटर है वो रेगुलेटर ख़राब था, जिसके कारण एक वोल्टेज नहीं बन रहा था बोर्ड पे, और जिसके कारण अपना VRM सेक्शन जो है काम नहीं कर रहा था। तो अभी मैंने उसको चेंज कर दिया, अभी VRM सेक्शन प्रॉपर काम कर रहा है अपने बोर्ड पे, सक्सेसफुली डिस्प्ले भी आ गया। तो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल में बने रहना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।